हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि हमारा 2 मार्क्स का के लिए है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि आपको ये स्टेटमेंट चेक करके बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। द पॉइंट्स ए इज -1, -2, बी इज 4, 3, सी इज 2, 5 एंड डी इज -3, 0 इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो जैसा ऑर्डर आपको यहाँ पे दिया हो वैसे ही ऑर्डर में आपको इसको लिखना है, और आपको बताना है कि क्या ये चारों पॉइंट मिलकर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बना रहे हैं तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है। अब आपको ऑर्डर में लेना है, अब ऑर्डर चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपको ए के बाद बी ही लेना है, फिर आपको सी लेना है, फिर डी लेना है। ये नहीं कि ए के बाद डी ले लिया, ऐसे उल्टा नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए ले लिया -1, -2, बी मैंने यहाँ लिख लिया, बी आप यहाँ भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे ले लो चाहे आप ऐसे ले लो, लेकिन ऑर्डर में रखना है। 4, 3, सी इज 2, 5 एंड डी इज -3, 0। अब आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बताया है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर को, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे जो चीज हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ओके, तो ये ए बी इस सी डी के, यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल प्रूव करनी है और ये साइड इस साइड की इक्वल प्रूव करनी है। बट ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होती है, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो यहाँ पे आपको एक चीज और प्रूव करनी पड़ेगी कि ये जो यहाँ पे डायगनल है, ए सी डायगनल बी डी डायगनल के इक्वल है। तो रेक्टेंगल के लिए आपको दो चीज प्रूव करनी होती है, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगनल ऑल्सो इक्वल। अगर ये चीज यहाँ पे दोनों चीज यहाँ कंडीशन प्रूव हो जाती है, तब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है। तो हमें ये, अगर ये ए बी की लेंथ पता होगी तो हम इजीली देख के बता पाएंगे। अब इन पॉइंट से हम थोड़ी ना बता पा रहे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, लेकिन अगर यहां से यहां तक के डिस्टेंस आ गई, यानी लेंथ आ गई, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो हम इजीली कह देंगे कि ये रेक्टेंगल है। ओके, तो अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। हमें ये दो ही चीज प्रूव करनी है, बट जिसको रेक्टेंगल में और भी प्रॉपर्टी होती है, ईच एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, तो ये चीज हमें यहाँ नहीं प्रूव करना है। फिर दोनों डायगनल बाइसेक्ट भी करते हैं, वो भी नहीं प्रूव करना। सिर्फ ये दो कंडीशन प्रूव करने से ही हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। अब ए टू बी तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम ले लिया x2 - x1, y2 - y1। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं x2 - x1 है, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे x2 y2 ले लेते हैं। नेगेटिव वाले को मैं x2 y2 ले रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, बीच में ना आए। तो ये x2 - x1, तो ये आपका हो गया x2, हो गया -1, फिर आइडेंटिटी का माइनस और x1, तो x1 हो गया आपका 4। अगर आप ऐसे लेते, इसको x2 लेते, तो 4, फिर आइडेंटिटी का माइनस, फिर ये -1 आता, तो इसीलिए मैं थोड़ा सिंपल ले लिया। फिर वो भी लोगे तब भी आंसर सेम है, ये लोगे तब भी आंसर सेम है। फिर नेक्स्ट y2 - y1, तो -2 - 3 का होल स्क्वायर, नहीं तो आपका यहाँ पे आता है 3 - -2, तो -, -+ हो गया, तो 3 + 2 भी 5 होता, और यहाँ भी -, -+ -5 हो रहा है, यहाँ +5 आता, तो स्क्वायर में तो दोनों ही आंसर पॉजिटिव आते हैं। तो -, -+, तो ये हो गया 4 + 1 = 5, लेकिन साइन आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। फिर -, -+ 3 + 2 = 5, लेकिन यहाँ भी साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो आप यहाँ लिखो -5 का स्क्वायर 25 हो गया, अगेन -5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 25 + 25 = 50 हो गया। 50 के फैक्टर बना लो, तो 50 के फैक्टर कहते हैं 25 × 2 होता है, तो ये हो गया 5 × 5 × 2 हो गया। तो इनके यहाँ पे क्या बन रहा है, पेयरिंग बन रही है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर के होके ये हो जाएगा 5√2। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ए बी आ गया, ए बी इक्वल टू 5√2। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, सी डी देख लेते हैं क्या सी डी इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं।
तो सी डी इक्वल टू सेम आपका यहाँ पे, तो हम नेगेटिव वाले को एक्स टू वाई टू ले रहे हैं, इसको हम यहाँ पे एक्स वन वाई वन ले रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस थ्री माइनस टू का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, तो जीरो माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस फाइव का स्क्वायर, और जीरो माइनस जीरो में से फाइव किया तो फाइव ही बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइव बड़ा है, तो सेम आंसर आ रहा है माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, तो मैं इसको यही सेम एज इट इज आपको सॉल्व करना है, तो ये भी आपका आ जाएगा फाइव रूट टू, सेम यहाँ से स्टेप सेम है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट बी सी, तो यहाँ बी सी ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ, तो ये एक्स वन दोनों ही पॉजिटिव है, इसको मैं एक्स टू वाई टू कर देती हूँ, ये एक्स वन वाई वन है, मैं इसको एक्स टू वाई टू कर दिया, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो फोर माइनस टू, फोर माइनस टू का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, तो यहाँ पे हो गया थ्री माइनस फाइव का स्क्वायर, तो फोर में से टू गया तो टू स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, फाइव में से थ्री गया तो टू बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइव बड़ा है, तो ये हो गया, तो ये टू स्क्वायर हो गया फोर, माइनस टू का स्क्वायर भी हो गया फोर, तो यहाँ पे इजीली क्या हो गया फोर प्लस फोर हो गया एट, या फिर हम इसको टू टाइम फोर भी लिख सकते हो, तो ये फोर प्लस फोर हो गया एट, एट के फैक्टर हमें पता होता है टू इंटू टू इंटू टू, तो इनकी पेयरिंग हो गई, तो ये आपका आ गया टू रूट टू, तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया बी सी आ गया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे बी सी के साथ कहता है ए डी, तो यहाँ ए डी फाइंड कर लेते हैं, तो ए डी ए डी, तो ये एक्स टू वाई टू है, ये एक्स वन वाई वन है, इसको मैं यहाँ पे एक्स वन वाई वन कर देती हूँ, तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन एक्स टू, फिर आइडेंटिटी का माइनस माइनस, फिर एक्स वन, तो एक्स वन यहाँ हो गया माइनस थ्री, तो देखो यहाँ दो माइनस आ रहे हैं ना, इसीलिए बचने के लिए दो नेगेटिव साइन बीच में आने से बचने के लिए मैंने क्या करती हूँ नेगेटिव को एक्स टू वाई टू ले लेती हूँ हमेशा। फिर ए डी हो गया, नाउ एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, नाउ वाई टू माइनस वाई वन, तो ये हो गया आपका माइनस टू माइनस जीरो का स्क्वायर, ओके, तो ये रूट माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस थ्री का स्क्वायर, और माइनस टू में से जीरो गया तो माइनस टू ही बचेगा, ओके, तो ये हो गया स्क्वायर, जीरो को किसी में भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर आता है, तो ये माइनस वन प्लस थ्री, थ्री में से वन गया टू बचा, और साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि थ्री बड़ा है, तो ये टू का स्क्वायर हो गया और ये माइनस टू का स्क्वायर हो गया, सेम आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी फोर ये भी फोर, तो ये देखो सेम इसके जैसे ही आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर टू रूट टू लिख देती हूँ, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए बी सी डी के इक्वल आ रही है, बी सी हमारी ए डी के इक्वल आ रही है, तो हमने ये चीज देख लिया, बट ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट अब डायगोनल देखते हैं, अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ए सी हमें चाहिए, तो ए ये रहा सी ये रहा, तो आपको यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है एक्स टू वाई टू लिया हुआ है, ये एक्स वन वाई वन है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस वन माइनस टू, तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, तो माइनस टू माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस टू माइनस फाइव का स्क्वायर, फिर इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो गया, टू प्लस वन हो गया थ्री, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका यहाँ पे हो गया फाइव प्लस टू सेवन, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, और सेवन का माइनस सेवन का स्क्वायर हो गया फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन प्लस नाइन हो गया फिफ्टी एट, तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इक्वल देखना है, तो हम यहाँ पे रूट एट रख के भी कर सकते थे, जरूरी नहीं थी आप सॉल्व करें, यहाँ रूट फिफ्टी रहने देते हैं, यहाँ भी रूट फिफ्टी रहने देते हैं, यहाँ रूट एट है तो यहाँ भी रूट एट लिख लेते, क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है, हमें कोई सोल्यूशन नहीं लिख कराना है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया बी डी, तो बी डी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये मैंने एक्स वन वाई वन लिया हुआ, ये एक्स टू वाई टू है, तो इसी को ले लेते हैं, फोर माइनस माइनस थ्री, एक्स टू माइनस एक्स वन, फोर माइनस माइनस थ्री, तो ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो ये थ्री माइनस जीरो, तो ये हो गया आपका यहाँ पे थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये हो गया फोर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया फोर प्लस थ्री का होल स्क्वायर, थ्री में से जीरो गया थ्री बचा, थ्री का स्क्वायर, फोर प्लस थ्री यानी कि हो गया सेवन स्क्वायर, सेवन स्क्वायर हो गया फोर्टी नाइन, थ्री स्क्वायर हो गया नाइन, तो ये भी आपका रूट फिफ्टी एट आ गया, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ रही है और डायगोनल्स भी इसके क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल है ए डी के एंड ऑल्सो डायगनल्स इक्वल ऑल्सो डायगनल्स आर इक्वल दैट इज आपका यहाँ पे हो गया ए सी इक्वल है
बीडीके, एसी आपका किसके इक्वल है, बीडीके। तो हैंड्स, ये जो सारे पॉइंट्स है वो आपके किसको दिखा रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हैंड्स द पॉइंट्स ए इज -1, -2, बी इज 4, 3, सी इज 2, 5 एंड डी इज -3, 0 फॉर्म अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये आपको अलग अलग, अगर स्क्वायर है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो मैंने 7.2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 करा है वहां मैंने जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उनकी अलग अलग कंडीशंस क्या है, मतलब किसके लिए क्या चीज आपको प्रूव करने की, ये फिगर हो जाए स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, या रोम्बस के लिए, पैरेलोग्राम के लिए, तो वो आप वहां देख लेना, वहां मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस चीज के लिए क्या प्रूव करना। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इनके कंडीशंस याद कर लो, रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशंस यहाँ पे प्रूव करनी है, सब में डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।